हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर स्पा एट होम। घर की कुछ चीज़ों से आप बहुत ही खूबसूरत से हेयर स्पा कर सकते हैं, बिल्कुल पार्लर जैसा रिजल्ट आएगा और आपका जो हेयर फॉल है, डैमेज हेयर है, ड्राई है, डैंड्रफ है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और आपको महंगा, जैसे पार्लर में आप अगर जाते हो तो मिनिमम आपके लेंथ अगर मेरे जितने हैं तो 1500 रुपये तो चार्ज करना ही करना है उन लोगों को। तो आप घर पे कर सकते हो इस तरीके से हेयर स्पा। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बालों में बहुत डैंड्रफ है, बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, रफ हो गए हैं, झड़े जा रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, थक चुके हो पार्लर में इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा के, बहुत सारी प्रोडक्ट यूज करके, तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की नोटिफिकेशन, वीडियोज की नोटिफिकेशन, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन डे बाई डे मिलती रहे और आप बहुत सारा पैसा खर्च करने से बच सको। और वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइएगा मेरी डेली ब्लॉग वीडियोस देखने के लिए। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल पे लॉन्ग टाइम से हो तो आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल काफी ज्यादा डल डैमेज हो गए थे, लेकिन अभी काफी हद तक सुधार आ गया है बालों में। और इस तरीके से करने पर मेरे हाथों में बहुत सारे हेयर आ जाते थे, अभी आपको दिख रहा है एक भी हेयर नहीं है, है ना। तो चलिए, मैं जो भी चीज़ें ट्राई करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करते जा रही हूँ डे बाय डे। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत 100% है कि आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। और आपको अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी चीज़ें लेकर आ पाऊँ। वैसे तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं पक्का इफेक्टिव होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये मैंने हेयर स्पा क्रीम मंगाया था न्यूट्री ग्लो का। ये आपको ऑफर में होगा तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, ये मुझे 300 समथिंग में पड़ा था। वैसे इसकी MRP रेट जो है वो 500 है। एक यही चीज़ है जो आपको लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप घर पे दही ले लो और कोई कंडीशनर ले लीजिएगा। ओके, दही और विटामिन ई की कैप्सूल, उससे भी आपका हेयर स्पा क्रीम बन जाएगा और बालों में रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप मंगा लो तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये हेयर स्पा क्रीम है। इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे जो कि आपके हेयर के स्कैल्प के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहे हैं, उनकी वो चीज़ों को कम करेगा। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे अपने हेयर के अकॉर्डिंग, जितना आपको अप्लाई करना है उतना हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे फिंगर टिप्स की मदद से ले रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रश नहीं मिल रहा है। तो चलो, मैं कितना निकाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्कैल्प पे लगाना है अच्छे से, तो मैंने इतना सारा लिया है, ये लगभग 4 से 5 चम्मच है। पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगाएंगे एंड बालों में भी लगाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग एक चीज़ जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके स्कैल्प से सारी गंदगी को रिमूव करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है एंड आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होता है। मेरे बालों का हेयर फॉल जो हो रहा था उसको रोकने में पूरा 80-90% इसका हाथ है। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अपने शैम्पू के साथ मिक्स करके अच्छे से मसाज कीजिए, 2 मिनट बालों में छोड़ना है एंड उसको वॉश कर देना है। ओके, तो मैंने इतना सारा क्रीम लिया है, इसमें मैं 4 से 5 चम्मच ग्लिसरीन की ऐड कर रही हूँ। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेयर स्पा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मैं इसको फिंगर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जब तक आपका ये जो ग्लिसरीन है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आपको इसको मिक्स करना है। आप इसको हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो या ब्रश की भी हेल्प ले सकते हो। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कोई केमिकल नहीं है ज़्यादा, तो आप इसमें अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने इसको ले लिया है एंड जड़ों में अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मांग निकालना है देन अच्छे से जड़ों में अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं और स्पा नहीं करा सकते पार्लर में जाके, वो घर पे अपना स्पा इस तरीके से कर सकते हैं। इचिंग की प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएंगी आपकी। पूरे बालों में, सॉरी, जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है इसको। हाँ,
अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं 9 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल हो जाएगा सैटरडे और सैटरडे को बाल वॉश नहीं करते हैं, तो मैं आज ही वीडियो शूट करूँगी और ये वीडियो जाएगी सैटरडे को आपके पास। तो अच्छे से पूरे बालों में जड़ों में अप्लाई करना है। तो फ्रंट में तो हमने अच्छे से लगा दिया है, अच्छे से इसको मसाज देंगे, बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है। बैग में लगाएंगे, मेरे बालों का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्रीम यूज करें। दूसरी साइड भी अच्छे से मसाज कर देना है बालों में। अब इसी क्रीम को हम लोग लगाएंगे पूरे लेंथ पे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, पूरा अच्छे से लगाना है क्रीम को जड़ों में एंड लेंथ में। अब जब हम लोग स्पा करते हैं तो हमको कंडीशनर की जरूरत पड़ती है, बट हम घर पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास कंडीशनर ना हो, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा वो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, क्या लगाया है जो घर पर आप अपने बालों को इतना स्ट्रॉन्ग एंड खूबसूरत सॉफ्ट शाइनिंग बना सकते हो। ओके, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से लगा लिया अपने बालों में, थोड़ा सा भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा क्रीम और ऐड कर रही हूँ उसमें। और अभी बस बालों में लगाना है, तो मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से एक एक बाल आपका भीग जाना चाहिए क्रीम से। तो मैंने अच्छे से लगा लिया है, अब हम लोग बालों को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। जो बाउल में क्रीम है उसको भी ले ले रही हूँ, एंड लेंथ पे लगा दे रही हूँ। अब बालों को फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ और इसको थोड़ा सा स्टीम देंगे बालों को। स्टीम देने के लिए अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, पार्लर जैसा सुविधा नहीं है आपके घर पे, तो आप क्या करोगे, आप पानी को गर्म करोगे पतीले में, उसमें एक टॉवल डाल दोगे, अच्छे से पानी को निकाल के बालों पे रैप कर दोगे तो आपका स्टीम हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो, मार्केट से ये कैप मंगा लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ जाएगा ये, आपको 300 समथिंग में पड़ेगा, इस तरीके का आएगा। आपको स्पा मशीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है, स्पा मशीन 5 से 6 हज़ार में आती है, तो आप इस तरीके का कैप ले सकते हो और इससे अपने बालों को स्टीम कर दे सकते हो। तो कैसे देना है वो मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने, सॉरी थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा लेते हैं, इस तरीके से इसको मैंने प्लग में लगाया और इस तरीके की बत्ती जलेगी इसमें। ओके, लूज पड़ रहा है यहाँ पे, और इसको गर्म होने देंगे। ओके, और इस कैप को अपने बालों में इस तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके का बटन दिया होगा, इसको टाइट कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे। ओके,
10 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप 5 मिनट में भी छोड़ सकते हो, और 10 मिनट के बाद आप इसको बालों में वैसे ही 5 मिनट तक और छोड़ दोगे, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से आपके स्कैल्प के अंदर जा पाए और अपना वर्क कर पाए। तो इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखती हूँ मैं, और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बालों में काफ़ी ज़्यादा हीट फील हो रहा है मुझे, तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और अब हम लोग थोड़ी देर के बाद इसको, जब तक हीट फील हो रहा है, 10 से 15 मिनट तक बालों में इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, जब 10-15 मिनट हो जाए, बालों में अच्छे से हीट चली जाए, तो उसके बाद हम लोग कंडीशनिंग करेंगे। तो कंडीशनिंग के लिए, तब तक और मेरे बालों में हीट हो रही है, तब तक मैं कंडीशनिंग के लिए, आप घर पे क्या यूज करोगे? एप्पल साइगर विनेगर एंड ये ग्लिसरीन, इससे हम लोग बनाएंगे कंडीशनर। और कई लोग पूछते हैं कि कंडीशनर करने के लिए क्या बोलते हैं, हेयर वॉश करते टाइम शैम्पू यूज करना है कि नहीं करना है। अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप शैम्पू यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप शैम्पू यूज ना करें, ऑयलिंग करके तो हेयर स्पा करना ही नहीं है। पहले आपको हेयर स्पा करने से पहले आपको बालों में अच्छे से शैम्पू कर लेना है, उसके बाद अगर आप घर की चीज़ों से हेयर स्पा कर रहे हैं या फिर ज़्यादा हार्ड केमिकल है तो आप अपने जड़ों पे नारियल का तेल यूज कर सकते हो, बट स्पा करते टाइम ऑयल ना यूज करें तो ठीक है। जैसे मैंने बताया, इस तरीके का स्पा अगर आप कर रहे हो तो आपके बालों में और आपके स्कैल्प पे कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इससे कैसे कंडीशनर बनाना है वो बता रही हूँ। तो आप यूज वॉश करते टाइम सिंपली पानी से वॉश करना है, जो भी प्रोडक्ट आपके हेयर में है उसको रिमूव करना है पानी से अच्छी तरह से, उसके बाद कंडीशनर लगाना है। इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये जो एप्पल साइगर विनेगर है बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा क्लींजर है, एंड ये जो ग्लिसरीन है ये भी आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है एंड आपके बालों को शाइन देता है एंड आपके बालों को रफनेस से दूर करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इनसे हम लोग बनाएंगे कंडीशनर। कंडीशनर बनाने के लिए हम लोग लेंगे एप्पल साइगर विनेगर का, जो इसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, इसका 2 ढक्कन बाउल में ऐड कर रहे हैं। ओके, पहले बालों को अच्छे से वॉश करेंगे। ये सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट को इग्नोर कीजिएगा, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद हम लोग लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का भी 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसको सिर्फ बालों पे लगाना है, स्कैल्प पे लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बालों को अच्छे से वॉश करेंगे पानी से, पूरा क्रीम जो भी है बालों में है उसको रिमूव करेंगे। तो अच्छे से हीट मिल गया है मेरे बालों को, और हीट ये स्टीमर को रख देंगे साइड में। इसको आप एक बार मंगा लो कि काफ़ी टाइम तक चलता है ये। मैं कम से कम इसको 6 मंथ से यूज कर रही हूँ, जब भी स्पा करती हूँ तो, चाहे या फिर जब भी स्टीम देना होता है बालों को, तो आप इस तरीके से पहले बालों को, बालों में से अच्छे से क्रीम को निकालोगे पानी से, उसके बाद आप ये कंडीशनर अपने बालों पर अप्लाई करोगे, 5 मिनट तक छोड़ दोगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लोगे। जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं वॉश करने जा रही हूँ एंड मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर रही हूँ। बालों में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई, काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो गए। अच्छे से बालों में से क्रीम को रिमूव करना है। पहले मैंने सोचा कि वॉश करके पूरा अच्छे से फाइनल रिजल्ट दिखा दूँ, फिर मैं सोची नहीं, आप लोग को पूरा प्रॉपर वे में समझाना चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वॉश कर लिया। अभी मेरा चश्मा गीला होता था तो मैंने उसको साइड में रख दिया एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा था। अब हमने जो एप्पल साइगर विनेगर का जो बॉटल था उसमें से जो बनाया था कंडीशनर ग्लिसरीन, उसको मिला के ये देखिए कितना अच्छा साइन आ रहा है। अभी कंडीशनर अप्लाई करेंगे। कंडीशनर अप्लाई करने के लिए इस तरीके से डायरेक्ट बालों पे डालेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे इसमें। पहले इस तरीके से लेंथ को मैंने अच्छे से भिगा लिया, फिर इसको जड़ों में भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नेक्स्ट डे ये वीडियो एडिट करूँगा गाइस, एक भी हेयर फॉल नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी टाइम जो हेयर निकला होगा, 1-2 वही निकला था, और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो इसको मैंने 5 मिनट अपने बालों में रखना है, 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम लोग वॉश करेंगे सिर्फ नॉर्मल पानी से। तो चलिए 5 मिनट तक इसको वेट कर लेते हैं। फिर 5 मिनट हो चुका है, अब हम लोग नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे, और बालों का जो साइन है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम है, बट बहुत अच्छा साइन आया था, ये दिख सकते हो आप। काफ़ी प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छे से चमक रहे हैं बाल, और बालों का जो हेयर फॉल है, ड्राइनेस है, डेंड्रफ है, सब कुछ
रिमूव हो गया है बहुत अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे थोड़े साफ पानी से डायरेक्ट नल के से ही वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे चलिए बालों को टॉवल ड्राई करते हैं। ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अगर आपको हेयर फॉल होता है तो, नहीं होता है तो नॉर्मल एयर पे आप इसको सूखने दीजिए। तो ये नॉर्मल एयर पे मैंने कोई ड्राई बस टॉवल से सुखाया है एंड हल्का हल्का कॉम किया। कॉम करते टाइम भी मेरे बाल नहीं निकले गाइस, बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अभी इसका बाल सूखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट था वो दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी बाल मेरे सूख चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। आई होप कि आपको भी दिख रहे हो। बाल स्पा करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाल एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, बाल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, जड़ें मजबूत होंगी, लेकिन जो टेक्सचर है बालों का कर्ली स्ट्रेट वो वैसे का वैसे रहता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा शाइन दिख रही है बालों में, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, मन कर रहा था हाथों को बालों में से निकाले ही नहीं। और नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छा आपको अच्छे से दिख रहा हूँ। और ये देखिए आपको कैसी लग रही है, साइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और हेयर कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप जरूर जल्दी बालों में निशानी होती है जब आप बाल वॉश कर रहे हो तो बालों जो बेबी हेयर होते हैं वो ज़्यादातर नहीं दिखाई देते हैं, तो मेरे बालों को सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से फील नहीं हो रहे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, लग रहा है बार बार बालों में हाथ ऐसे लगाते रहें। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी मतलब महंगा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते पार्लर में, पार्लर जैसा हेयर स्पा चाहते हैं वो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत अपने बालों का लुक बना सकते हैं। आपको देख भी रहा हो कितना ज़्यादा शाइन लग रहा है मेरे बालों में, वाओ।